बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जनाब रानी पद्मावती के बाद नजर आने वाली हैं एक ट्रैफिक पुलिस के किरदार में। क्या है आखिर माजरा इस फोटो के पीछे, बताते हैं आपको। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी बीट पर। बात चल रही है बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा दीपिका पादुकोण के बारे में। वैसे तो इन दिनों चर्चाओं में है अपनी फिल्म पद्मावत की वजह से, लेकिन जनाब हाल ही में इनका ये वाला लुक इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस लुक में दीपिका पादुकोण एक महिला ट्रैफिक पुलिस अफसर के गेटअप में नजर आ रही हैं। उनका ये दबंग पुलिस वाला अंदाज काफी पसंद आ रहा है फैंस को। तो आखिर दीपिका इस लुक में है क्यों, तो आपको ये भी बता देते हैं। खबरों के मुताबिक दीपिका ने इस लुक में एक विज्ञापन के लिए शूट किया है, जिसमें वो दबंग ट्रैफिक पुलिस अफसर के लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने ये गेटअप अपनाया है। इस अवतार में दीपिका धांसू लग रही हैं, आंखों पर लगा काला चश्मा और जीप की बॉनेट पर बैठने का अंदाज दीपिका के स्वैग को और भी बढ़ा देता है। फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी तो नहीं है कि आखिर दीपिका का ये विज्ञापन कब प्रसारित होने वाला है, कब देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दीपिका पादुकोण के इस विज्ञापन से पहले ही उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर इन दिनों खूब वायरल हो रही हैं, खूब शेयर हो रही हैं। आखिर दीपिका लेडी दबंग पुलिस अफसर लग भी तो रही हैं। बहरहाल आपको बता दें कि दीपिका इन दिनों एक्साइटेड हैं अपनी फिल्म पद्मावत की रिलीज डेट के कंफर्म हो जाने की वजह से। हालांकि अभी भी फिल्म को लेकर काफी विरोध किया जा रहा है, कई राज्यों में फिल्म को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी के लिए फिल्म की रिलीज डेट 25 जनवरी 2018 मुकम्मल की गई है। यानी कि जहां पर एक तरफ दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती के किरदार में नजर आएंगे इस फिल्म में, वहीं पर एक एड में दीपिका पादुकोण महिला ट्रैफिक पुलिस अफसर के रोल में भी नजर आने वाली हैं। एक्साइटमेंट दोनों को लेकर है। फिलहाल फिल्मी बीट के इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फिल्मी बीट को।